हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब ना जन्मदिवस ने लईने दर वर्षे समग्र दुनिया में जुलूस काढवामां आवे छे। तो सूरत में पण मुस्लिमोए पैगंबर साहिब ना जन्मदिवस की भव्य उजवणी करी। मुस्लिम विस्तारों लाइटिंग थी सजावाया हता। साथ ही मस्जिदों में न्याज नू पण नाना नाना बाळको द्वारा वितरण करवामां आव्युं हतुं। गुरुवारे गणेश विसर्जन यात्रा ने ईदे मिलाद एक साथ आवता ईदे मिलाद नो जुलूस बीजा दिवसे एटले के शुक्रवारे आज राखवामां आव्युं हतुं। जेने लईने शुक्रवारे मुस्लिम बिरादरो द्वारा भव्य जुलूस काढवामां आव्युं हतुं। सूरत ना लिंबायत भाठी ना ऊन चौक बजार हुड़ी बंगला सलाबतपुरा मोमनावाड़ी गोपीपुरा राणी तड़ाव सहित विस्तारों में भव्य जुलूस निकळ्यो हतो। बपोरे तमाम जुलूस जापा बजार खाते एकत्र थया हता अने त्यांथी भागड़ चौक बजार कमाल कली सागर होटल थईने ख्वाजा दाना दरगाह खाते पहोंच्या हता। तो जुलूस में मोटी संख्या में मुस्लिम बिरादरो उमटी पड़ा हता। मैं ईदे मिलाद के अवसर पर सभी सूरतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईद बहुत मुबारक हो और मैं आशा करता हूँ कि सूरत की शानदार जो परंपरा रही है शांति के साथ इखलास के साथ भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं मिलजुल के काम करते हैं इसी तरह से यही वातावरण हमें बनाए रखना है और इसी के कारण भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया में लीडिंग नेशंस में से एक अग्रिम हरोल के राष्ट्रों में से बहुत जल्दी हम होने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को ईद मिलाद की ईद मुबारक कहता हूँ। सर एक दिन लेट जो जुलूस काढ़ा भाईचारे के लिए उसके लिए मुस्लिम समाज को क्या कहते? मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ा है। देश में सुख और शांति रहे ये सबसे बड़ी चीज़ है। पुलिस लगातार आपका सहयोग करती है। हम कहते हैं पुलिस हमेशा आपके साथ आपके लिए। तो जब डबल काम हो जाए किसी दिन तो इस तरह से जो दूसरे दिन जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है बड़ा शानदार निर्णय है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक कहता हूँ। आज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है। पूरी दुनिया हुज़ूरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है। सब जश्न मना रहे हैं पूरी दुनिया जश्न मना रही है। सूरत शहर में भी अमन सुकून के साथ आज यहाँ से जुलूस निकल रहा है। गई कल अपना ईद मिलादुन्नबी होने के बावजूद भी जुलूस आज किया ये सूरत शहर की एकता की भाईचारे की तासीर है और पूरे गुजरात में भी निकल रहा है। हम लोग भी सब आज यहाँ पे आए हैं। हमारे दाऊदी बोरा समाज के लीडर भी यहाँ पे हमारे पास आए मान साहब आए सीपी साहब ने झंडी बताई मेयर साहब भी आए ये सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग सब अभी यहाँ से निकल के राजमार्ग होके अमन सुकून प्यार मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ ये जुलूस ख्वाजा दाना साहब जाएगा और वहाँ पे सलातो सलाम दुआ होगी। हम दुआ करें कि हुज़ूरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज हमारे सब पे उनका करम हो और अमन सुकून के साथ देश का और शहर का भाईचारा हो। अलहाज हाजी रेहान अहमद खान नसरती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब और बहुत ही आला रहा। हम तमाम अहले डायर और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ताला ये मुबारक महीना मुबारक हो और ये दिन रबीउल नूर सरकार की आमद आमद है। अल्लाह का एहसान है कि हमको ये महीना मिला और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साल इस तरह आलम इस्लाम को ये मुबारक महीना मनाने को हो। और हम लिम्बायत 163 विधानसभा जो हमारी अखंडता और भाईचारगी की बेमिसाल मिनी भारत है यह हमारी मिनी भारत आपसी भाईचारा और आपसी इत्तेहाद में बहुत ही मजबूत और कायम दायम है। अल्लाह से दुआ है कि रबीउल नूर के सदक़े तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ताला आपसी भाईचारगी और आपस में मोहब्बत और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मैसेज था कि आपस में इत्तेहाद रहे भाईचारगी रहे एक इंसान से दूसरे इंसान को तकलीफ न पहुँचे ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीस का मैसेज था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दुआ है कि हर आलम इस्लाम के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हम सीरतुल नबी जिसका जश्न मनाते हैं उस नबी के बताए हुए रास्ते पर हम पैर अमल रहें और जब तक दुनिया में रहें उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर और उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करें यही हमारा मकसद है। और हमारा ट्रस्ट सहारा सातन प्रो वेलफेयर ट्रस्ट जो अमेठी की है उसके माध्यम से हम सूरत को ये पैगाम देते हैं
कि हम आलम इस्लाम उम्मत मुस्लिमा को इन नबीना इन दल्लाह इस्लाम के उन तमाम अहकाम शरिया जिसमें अल्लाह उसका रसूल लाजी है उस पर हम सबको पैरा चलने और पैरा अमल होने की तौफीक नसीब फरमाए। कारी अब्दुल खान अशरफी मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। आज अलहाज रियाद अहमद ख़ान अशरफी साहब फाउंडर सदर सहारा सातन प्रभा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जुलूस ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तकबालिया जुलूस के लिए इन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया है जिसमें सूरत शहर की मुअज्जज़ शख्सियतें दीगर शोबा के लोग पुलिस महकमा के आला अधिकारी सामाजिक और सियासतदान उलमा इकराम शामिल थे। रब्बे कदीर इस रबीउल नूर शरीफ की बरकतें रहमतें अजमतें रिफ़तें तमाम आलम इस्लाम को नसीब फरमाएं और अमन व शांति हमारे मुल्क में बनी रहे यही हमारी बिलखसूस दुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।